Welcome everybody, thank you for joining us for the Zero Hunger Teams for Unity World Foods Day program. We think that those was video was seeing this video via YouTube. We hope that you are able to follow and to take उम्मीद करते हैं कि आप follow करेंगे इस program को via YouTube. Today we are all here, united by the same goal to achieve zero hunger. We hope you all enjoy and are motivated by our program. But before you get started, let's start inviting each representative of the different countries to introduce themselves. Let's start from Portugal and Brazil. Hi. Italy. Ciao. Pakistan. Salam. India. Namaste. Namaste. Korea. Annyeonghaseyo. Argentina, Peru and Venezuela. Hola. Nepal and Thailand. Ireland. Hello. Hello. And the last but not the least, France. Salut. I think it's such an exciting moment that we can hear Sam. So I'm going to repeat that you said. Together, we have been planning this event via Zoom over the past few months, and we are very happy to be able to share our wonderful experience with you all. We hope that this event will encourage everybody and everyone to enjoy us on our journey towards achieve zero hunger. Now, let's welcome our first presentation to introduce the Zero Hunger Project. I'm Marianela, I'm Argentinian, and I'm going to tell you a bit about how the Zero Hunger Project was born. Hi, I'm Marianela, I'm Argentinian, and I'm going to tell you a bit about how the Zero Hunger Project was born. On September 8th, 2017, we received an unexpected request from FAO, which is the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Thank you.
FAO has been fighting to end hunger in the world for years, and its main work is with heads of state and politicians. Today, it is considered essential to help and raise awareness among young people. But why us? In 2017, FAO told us, young people, we need you. Help us defeat war. 2017 में FAO ने हमें बोला था कि नौजवानों हमें आपकी जरूरत है. और हमने अपनी मेंटालिटी को चेंज करना है ताकि हम दुनिया में भूख पर काबू पा सकें. और हम FAO के हेडक्वार्टर में गए और उन्होंने हमें कहा, बच्चे क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग दूसरों के लिए जिम्मेदारी से काम करते हैं और ये भी कि आप तमाम दुनिया में मौजूद हैं, बस हमने सोचा कि दुनिया से भूख का खात्मा करने के लिए हमें अपनी जहनीत बदलने की जरूरत है, हमें अपना रहन सहन तब्दील करना है. बस हमने इस जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से निभाने के लिए एक हल्फनामा तैयार किया और FAO के हेडक्वार्टर में गए जो कि इटली के शहर रोम में वाकया है. हमारे ग्रुप में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाली 60 लड़कियां शामिल थी और हम FAO के दफ्तर में हल्फनामा लेकर गए. दुनिया को मुतहिद करने के लिए कैरा ने हमें मुख्तलिफ रास्ते मुतारिफ करवाए हैं. तो आए अपने जहन से सोचें ताकि हम इस मसले के बारे में जान सकें और साथ ही साथ इसका गहराई से जायजा ले सकें. इस हवाले से मकामी, कौमी और आलमी सतह पर शाया की जाने वाली खबरों को देखें, पढ़ें और सुनें, क्योंकि दुनिया की भूख को हम अपने घर के आसपास भी पा सकते हैं, हो सकता है अपनी कम्युनिटी के लोगों में, लेकिन हम इससे बेखबर हैं. तो आए वादा करें कि हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करेंगे और इसी तरह हम देने की सकावत को फरोग दे सकेंगे. हम दिल से दुखी और मुसीबत ज्यादा लोगों की इल्तजा को सुनेंगे और सबसे पहले इस बारे में जाती तौर पर उन तमाम लोगों में जो हमारे इर्द गिर्द हैं शऊर पैदा करेंगे. हम अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएंगे, भूख मकाओ मुहिम क्या है और इस मसले पर काबू पाने के लिए हम सब क्या किरदार अदा कर सकते हैं. दूसरों का खैर मकदम करें, अमन को फरोग देना चाहते हैं बगैर हसद के और ये सीखें कि हमने अपने हाल और मुस्तकबिल को का खैर मकदम करना है. आए हम अपने हाथों को खोलें और इस बात का अहद करें कि हम कुछ भी जाया नहीं करेंगे. अपनी प्लेट से शुरू करते हुए हम अपने इर्द गिर्द देखें, नजर दौड़ाएं और समझने की कोशिश करें कि हम किस तरह से दूसरों की मदद कर सकते हैं. आप जानते हैं कि एक ऐसा असूल है जो हमारी तमाम कोशिशों का निचोड़ है, इसे सुनहरी असूल कहा जाता है जो दुनिया के तमाम बड़े मजाहिब में पाया जाता है और नेक नियत इंसान भी इस पर अमल करते हैं, यानी जिनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं. इस असूल में यूं लिखा है, तो अगर तुम दूसरों के साथ अच्छा सलूक करोगे तो भी दूसरे भी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे और दूसरों के साथ बुरा सलूक करोगे ना करो ताकि वो भी तुम्हारे साथ बुरा सलूक ना करें. हम जानते हैं कि खुराक के हवाले से आज कल दुनिया के हालात किस कदर संगीन होते जा रहे हैं. हमसे दरख्वास्त की गई है कि हम इसके लिए कुछ करें और हम जानते हैं कि इकट्ठे मिलकर हम सब इस पर अमल कर सकते हैं. बस हम एक बड़ा कदम उठाना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि इसका असर ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया या सामाजिक सतह पर और साथ ही साथ हमारी जाती जिंदगी में भी नजर आए. तो आए इस प्रोजेक्ट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए. प्रोग्राम्स इकट्ठे मिल बैठकर एक दूसरे को सुने और एक दूसरे से सीखें, ये एक अच्छा तरीका है. ये हम इकट्ठे मिलकर अपने मकसद में कामयाबी हासिल करेंगे. आलमी विजन, हम इस मुहिम में अकेले नहीं और हम इसे भूलना नहीं चाहते. दूसरों के मसाइल को अपना समझें, आलमी सतह पर एक कम्युनिटी को तश्कील देने में मदद करें. हमारी दुनिया में बहुत सी खूबसूरत चीजें भी हैं, तो आए अच्छी बातों को फोकस करते हुए खुशी मनाएं जो हमारे मंसूबे या प्रोजेक्ट से मुमासलत रखती हैं और तरक्की कर रही हैं. दुनिया ने मिलकर हमने मिलकर दुनिया से 2030 तक भूख मिटाने का अहद किया है. हम इसी सूरत में अपने मकसद में कामयाब होंगे अगर हम अभी फौरन इसी वक्त अमल करना शुरू करें. तो आए हमारे साथ शामिल हों. आप समझ ही गए होंगे कि जीरो हंगर या भूख मकाओ मुहिम क्या है. मेरा नाम मरिनेला है और मेरा ताल्लुक अर्जेंटीना से और मैं बैनुल क्वामी ट्यू
एडिटोरियल टीम की रुकन हूँ. दुनिया के मुख्य मालिक के बच्चों या टीन्स के साथ मिलकर हम मीडिया कम्युनिकेशन के हवाले से आगाही देते हैं. हम जर्नलिस्ट के साथ मिलकर उनकी रहनुमाई में सीखते हैं कि हमें कैसे उनके मसाइल दुनिया के मसाइल के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है जो हमारी दुनिया के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, और साथ ही साथ अच्छे और मुस्बत कामों को भी नुमाया करते हैं जो मीडिया पर तमाम मतलब मीडिया पर दिखाए नहीं जाते हैं, जो अच्छे काम है. जैसा कि आप देख चुके हैं कि जीरो हंगर या भूख मकाओ प्रोजेक्ट मंसूबे में दुनिया के बहुत से ममालिक शामिल हैं. यही वजह कि आज इस प्रोजेक्ट की बदौलत हम इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं. भूख मकाओ का मंसूबा हर मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मुख्य मालिक में भूख की सूरत हाल क्या है. भूख के हवाले से मुख्य किस्म की सूरत हाल को जानकर हमारी मदद होगी कि हम कैसे इनसे महफूज रह सकते हैं और इन मसाइल का सबब बनने वाली वजहों को कैसे दूर कर सकते हैं. अर्जेंटीना जनूबी कौन से ये एक वीडियो है जिसमें वो बताते हैं कि अपने समाज या माशरे में पाई जाने वाली अदम मसावात के लिए हम एक ग्रोह की सूरत में काम करते हैं. वसाइल की कमी के लिए हम जिस चीज की कमी है उसे पूरा करने के लिए जगजैती की बुनियाद पर काम करते हैं. लातालुकी की बजाय हम दूसरों से ज्यादा मिलने की कोशिश करते हैं. खुराक के अदम तहफ़ के लिए हम दूसरों की नॉलेज में इजाफा लाते हैं और अपनी मकामी खाना इम्पनादस बनाकर बेचते हैं. समाजी नाइंसाफी के लिए हम तालीम की जरूरत पर जोर देते हैं और नए रबते कायम करने की कोशिश करते हैं. रद्द किए हुओं का हम साथ देते हैं और उनकी तरफ मुतवजा होते हैं. मेरे लिहाज से इटली में भूख की सूरत हाल अफ्रीका में भूख की सूरत हाल से कदरे मुख्तलिफ है, क्योंकि वहां पर भूख गुर्बत और कहत है. जबकि हमारे मुल्क में इटली में हम महसूस करते हैं कि हमें सीखना है कि कैसे हम ऐसे लोगों के पास जाएं जो दूसरों से एक वक्त का खाना या पास्ते की एक प्लेट मांगते हुए शर्म महसूस करते हैं. मेरा नाम लतीत्सिया है. खासतौर पर मैंने इटली की गुर्बत को जांचा. सिर्फ मादी अशिया की गुर्बत नहीं जो बिलाशुबा गैर यकीनी तौर पर मौजूद है. बहुत से खानदान माली बहरान का शिकार भी हैं. बहुत से लोग ज्यादातर बच्चे चौक पर खड़े होकर भीख मांगते हैं या फिर गिरजाघरों के बाहर दरवाजों पर खड़े होकर. हामला माएं जो हैं वो अपनी जानों को खतरे में डालकर खाना हासिल करने की तलाश में निकलती हैं. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये कि एक ज्यादा नुमाया गुर्बत दूसरों के साथ नेकी और हमदर्दी करने की गुर्बत है. रोजमर्रा जिंदगी में अपने इर्द गिर्द के हालात का मुशाहिदा करते हुए हम देखते हैं कि खासतौर पर तारकीन वतन और गैर मुल्की बशिंदों की तरफ जाने की गुर्बत पाई जाती है. हम पाकिस्तान के जंत्री हैं. हंगर को उर्दू में भूख कहते हैं. हमारे साथ कराची, फैसलाबाद, सिटाडेल हो, रावलपिंडी से भी टीम्स काम कर रहे हैं. The race continues on and soon we'll be one family. Come join our effort and the river soon we'll meet the sea. Just do your part, you'll be there. And multiply your actions. See your city grow, make it your intention. Nations all united. Now that we have learned the various situations of hunger from the perspective of different countries, we can now share some of the actions taken. अभी आपको एक डांस सिखाया जाएगा जिस गाने पर हम डांस करने जा रहे हैं. जो आपके सामने पेश किया जाएगा वो एक दरिया जो बहता है तमाम भारत में जिसका नाम है गंगा. ये गीत में बताया गया कि कुदरत हमें किस किस्म की नेमतें अता करती है मगर हम इंसान इन नेमतों का गलत इस्तेमाल करते हैं. हमेशा फराकदिली से इंसान के लिए जिंदगी का मौजब बनती है. जैसा कि धरती इस जमीन पर रहने का एजाज हमें इस धरती पर रहने का एजाज हासिल है, तो क्यों ना हम इस धरती की इज्जत करें और
iska tahaffuz kare. Abhi ye dance sikhaya jayega. ہمارے ملک میں بھوک کی حالت بہت خستہ ہے. غریب خاندان بھوک سے خوف زدہ ہیں. کرونا وائرس سے بھی زیادہ وہ بھوک سے خوف زدہ ہیں. ہماری زیادہ تر آبادی غربت کا شکار ہے. انکوی نے بتایا ہے کہ 2021 میں ملک کی 94.5% آبادی کسی نہ کسی سطح پر غربت کا شکار رہی ہے. 76.6% آبادی شدید غربت کا شکار ہے. ہمارے ملک وینزویلا میں خوراک کا عدم تحفظ بھی ایک گمبھیر مسئلہ ہے. اب جبکہ ہم اس مسئلے سے واقف ہو چکے ہیں تو ہم اپنے ملک کی اتنی بڑی آبادی کی بھوک مٹانے میں کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ محبت تخلیقی ہے. یہ شراکت کو فروغ دیتی ہے. بھوکوں کو کھانا فراہم کرنے والا ادارہ جو ایک سال سے اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہے وہ بھی محبت کا ایک پھل ہے. یہ سچ ہے کہ اس ادارے کی خدمات آٹے میں نمک کے برابر ہے, مگر یہ بھی سچ ہے کہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. بس آپ کا قطرہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ دوسرے قطروں کے ساتھ مل کر یہ دریا بنا سکتا ہے. 2017 سے ہم نے ایک خواب دیکھنا شروع کیا. ہماری خواہش تھی کہ کچھ قابل قدر کریں تاکہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ انسانیت کو جگا سکیں. بس ہم نے نئے نئے طریقے ایجاد کیے کرتے ہوئے اپنی تخلیقی خوبیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اور محبت کا رنگ استعمال کرتے ہوئے اکٹھے مل کر اپنی کمیونٹی کے لیے, کمیونٹی کے بچوں کے لیے محبت کے ٹھوس استعمال کیے. انہیں خاندان جیسی محبت شفقت دیتے ہوئے ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے تجربہ کیا کہ ہماری کمیونٹی کے بچے, بڑے, بزرگ سب غربت اور بھوک کی وجہ سے غذا کی کمی کا شکار ہیں. نہ صرف یہ بلکہ بٹے ہوئے خاندان, تشدد کیے ہوئے لوگ, تشدد زدہ لوگ, رد کیے ہوئے اسکول سے بھاگے ہوئے بچے, انسانی اور مذہبی تعلیم کا فقدان ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سب کچھ دیکھنے میں آیا. اس سال ہم نے اپنی ایک لگاتار سرگرمی کا جشن منا رہے ہیں جس کا نام ہے ہر ہفتے والے دن کام کرنا. لیکن ہم اس کو برقرار رکھنے میں کیوں کر کامیاب ہوئے؟ آپ کے ساتھ رابطوں کے ذریعے ہم نے پیشہ ور افراد کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا, جیسے غذائیت کے ماہر ڈاکٹر, پری اسکول کے معلم, ماہر نفسیات اور پیرش پریسٹ وغیرہ. آج ہم حاصل کردہ کامیابی اور خدمات کی شراکت کر سکتے ہیں. مثلاً کھانا کھلانا, تفریحی پروگرام کرنا, طبی اور سماجی بیماریوں کی تشخیص کرنا, خاندان میں انسانی قدروں کو جاگر کرنا, ایک ساتھ دعا کرنے کے لیے جمع ہونے کا دن. ہم وائرس کی وجہ سے پروٹوکول اور حفاظتی قوانین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. بچوں نے سماج میں گھلنا ملنا شروع کر دیا ہے. کچھ مشقیں کرنا شروع کی ہیں, شیئرنگ کرنا شروع کی ہے, نظم و ضبط قائم کرنے میں پہل کرتے ہیں. مہینے میں ایک مرتبہ خاندانوں کے ساتھ ہم جا کر ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں. ہم براہ راست 20 خاندانوں کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ایک موقع ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے بہن بھائیوں جیسی محبت سے پیش آئیں. سب کو سلام. میرا نام بینک ہے, میں مائک ہوں اور میرا نام پیچ ہے. میں ینگ ہوں. ہم چن مائی شہر سے ہیں جو کہ تھائی لینڈ کے شمال میں واقع ہے. پچھلے سال ہم نے اپنے دوستوں خاندانوں میں سبزی کے بیج تقسیم کیے تاکہ وہ کیمیکل سے پاک خالص سبزیاں اگا کر اپنے لیے روزگار فراہم کر سکیں, کیونکہ آج کل ہر ملک مالی بحران سے گزر رہا ہے. ایک کہاوت ہے جو یہ کہتی ہے, یعنی اگر تم ایک شخص کو مچھلی دیتے ہو تو اس کی ایک دن کی بھوک مٹاتے ہو, لیکن اگر تم اس شخص کو مچھلی پکڑنے کا ہنر سکھا دو تو وہ اپنی تمام زندگی بھوکا نہیں مرے گا. تو اس طرح کرتے ہوئے ہم نے اپنے دوستوں کو ماحول سے پیار کرنے کا موقع فراہم کیا. اس سال ہم پھر سے گلے بانٹیں گے اور زیرو ہنگر کے حوالے سے سرگرمیاں کریں گے. پھر اگلے سال 2022 مئی کے مہینے میں دوبارہ اکٹھے ہوں گے اور اپنے گلے توڑیں گے, اور جتنے بھی پیسے جمع ہوں گے ان سے ہم غریبوں کی فیس بھریں گے اور اکٹھے ہم زیرو ہنگر جنریشن بنیں گے. زیرو ہنگر جنریشن.
ब्राजील से एक एक्सपीरियंस है. सलाम, मेरा नाम क्लेयर है, मैं सीमा हूँ. कुछ हफ्ते पहले हमने अपने शहर में जीरो हंगर प्रोजेक्ट का आगाज किया, जो कि एक शानदार तजर्बा रहा. एक दिन जुमे की दोपहर हम मरियापली सेंटर के किचन में गए और मायरा और प्रियंका भी हमारे साथ थी. जुम्मे के दिन ज्यादातर लोगों का हमारे साथ शामिल होना मुश्किल था, मगर फिर भी हमने सब्जियों का सूप बनाया जो नहायत मजेदार था. ये एक शानदार तजर्बा रहा. मरियापोलिस के सेंटर के रहायशियों से हमें सूप बनाने के लिए रकम भी मिली, जो कि सूप बनाने के लिए अशिया खरीदने के लिए काफी थी. जब हम अपना सूप बना चुके तो हम दूसरी एक्टिविटीज में दूसरों की मदद करने के लिए गए. शाम 6:30 बजे वाली मास करने के बाद हम सब जैन लड़के और लड़कियां इकट्ठे मिलकर उस जगह गए जहां हमने दूसरों में सूप तकसीम करना था. अचानक ही बारिश शुरू हो गई और हमें ज्यादा जरूरतमंद ना मिले. ये हमारा जीरो हंगर से मुतालिक पहला तजर्बा था. जरूरतमंद और बचे हुए सूप के 30 पैकेट हमने 12 खानदानों में तकसीम किए, जो नहायत खुश हुए. हमने इकट्ठे मिलकर सोचा है कि हम महीने में एक मर्तबा ये सरगर्मी करेंगे और हम आपको भी दावत देते हैं कि आप भी अपने शहरों में ऐसा ही करने की कोशिश करें, दूसरों में मोहब्बत बांटना और जरूरतमंदों में खाना तकसीम करना. शुक्रिया. Uma vez a cada mês, e a gente quer convidar vocês a fazerem o mesmo nas suas cidades, espalhando sempre o amor ao próximo e... Hamesha padosi ki mohabbat ke bare mein sochna. अब ये तजर्बा अर्जेंटीना से है. हेलो, मेरा नाम फरहान है, मैं फोकलारे में तहात के हामी बच्चों के ग्रुप का मेंबर हूँ. मेरी उम्र 18 साल है और मैं कोर्दोवा में रहता हूँ. मैं एक ग्रुप का मेंबर हूँ जिसका नाम है कोराजेनियस सोलिदारियस. हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जो हर रोज सड़कों पर जाकर नाश्ता बांटते हैं उन लोगों को जो बेघर हैं. हम ये काम तकरीबन 25 सालों से कर रहे हैं. हम ब्रेकफास्ट वॉकिंग वर्कर्स कोशिश करते हैं कि सड़कों पर रहने वाले हमारे से लोगों के साथ ताल्लुकात और रابطे बहाल हो सकें. लोगों की हर किस्म की जरूरियात से हमारा वास्ता पड़ता है, ना सिर्फ मादी अशिया बल्कि इमोशनल मतलब कि सपोर्ट की भी जरूरत होती है. तो हम अपने इन बहन भाइयों की जिंदगी में थोड़ी सी आसानी पैदा करने की कोशिश करते हैं. जब हम उनके करीब जाते हैं तो उनके चेहरों पर रौनक आ जाती है. वो हमें खुली बाहों से खुशामदीद कहते हैं. हम अपने दिल में हमारे लिए जगह बनाते हैं. हम हर रोज सुबह अपने घरों से निकलते हैं ताकि उनको उन तक खाना पहुंचा सके. हम भरे हुए थैले लेकर घर से निकलते हैं और जब वापस लौटते हैं तो हमारी थर्मस खाली होती है, बैग खाली होते हैं, मगर हमारा दिल खुशी से भरपूर होता है. हेलो सबको, मेरा नाम पावला है, मैं अर्जेंटीना से हूँ और आपके साथ अपना तजर्बा शेयर करना चाहती हूँ जो कि हमने फुकलाए तहरीक के तहत के हामी बच्चों के साथ किया. तकरीबन 5 साल पहले हम रद्द किए हुए ग्रुप को फॉलो कर रहे थे जिसका नाम है विला मेबल. वहाँ हम हर हफ्ते की शाम को जाते और उनके साथ खेलते, स्पोर्ट्स करते, माहौलिया सरगर्मियाँ करते और बच्चों और बड़ों के साथ सैंडविच शेयर करते, बच्चों के लिए स्कूल की चीज़ें फ्राहम करते हैं और इसके अलावा वो तमाम लोग भी जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है क्योंकि उनके हालात ऐसे नहीं हैं कि वो स्कूल जा सके या फिर किसी वजह से वो स्कूल से निकाल दिए जाते हैं. इसके अलावा वो तमाम वालदैन जो बच्चों को पहली पाक्षाकत या इस्तकाम का सक्रामेंट दिलवाना चाहते हैं या फिर वो किसी वजह से सक्रामेंट हासिल नहीं कर पाते, हम उन्हें मसीह तालीम की क्लासेस देते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं. नमस्ते, आप सबको सलाम. मेरा नाम रीसा है, इंडिया से हूँ. जो डांस मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ एक रिवर के बारे में जो पूरे इंडिया से गुजरता है, बहता है, जिसका नाम है गंगा. इस गीत का मकसद ये है, मतलब ये है कि जो धरती माँ है वो हमें हमेशा नेमते फराहम करती है लेकिन हम इन नेमतों का फायदा नहीं उठाते और उनसे उनको नुकसान अपनी धरती माँ को नुकसान पहुंचाते हैं, माहौलियात को नुकसान पहुंचाते हैं. तो हम किस तरह अपनी धरती माँ से प्यार कर सकते हैं, तो ये इस डांस के जरिए हम आपको सिखाएंगे.
kindly aap music share kar dein. सबने साथ मिलकर प्रैक्टिस करनी है. ओ गंगा बहती हो क्यों, विस्तार है अपार, रजा दोनों पार, करी हाहाकार निःशब्द सदा. ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों, नहीं दिखता. So that's all we're doing today. So I would like everyone to stand up, please. तो अभी मैं चाहती हूँ कि ये डांस आप मेरे साथ मिलकर करें. आपने हाथ ऊपर करने हैं और मुझे फॉलो करना है. Then you have your hands in a V. Spread them apart. So one, two, and then you show men and women. So you do a thumbs up for men. That's how you show men in classical dance. And then with your right hand, you put the middle three fingers down. Yeah? So that's the women. So from the beginning, you go hands apart and then the thumbs up and your three fingers, three middle fingers down. So vistar hai apar, praja dono par. Then no bad sounds and no bad words. So your ears you cover and then your mouth, and you say no through this all, like no abusing. And then you show the river. So you go your hands up and down to show the waves and you keep going, how the river keeps going. Yeah. So, that's the first half, and then the second half is just repeated. So after this, आपने you go again. जैसे गंगा बहती है उस तरह एक्शन करने हैं. And now to show not only men and women but everyone, you do your pointer fingers like this. आप अपनी fingers कैसे point out करें और everyone हर कोई की जगह आपने ऐसे action करना है. जो next होगा वो आप उसमें आपने क्या करना है कि no abusing, and then you show the waves in all directions. One side. फिर आपने एक साइड पे घूमना है, फिर चेंज करना है अपना साइड, और फिर फ्रंट पे आ जाना है. ठीक है, समझ आ गए? The last part, small last part left. You take your hands and you put it like this, just your hand, like this finger. अपनी स्क्रीन पे ऐसे हाथ, जैसे मैं बता रही हूँ ना, वैसे करें. नीचे बेंड करें और ऊपर. नीचे बैंड करें, फिर ऊपर को आए और अपने हेड पे ये क्राउन की तरह रख लें. ठीक है, और जब आप वॉक करोगे और आपने ये दो स्टेप लेके फोल्ड हो जाना है. शुरू में एक स्टेप आप विदाउट म्यूजिक, फिर बाद में म्यूजिक के साथ चलें. गुड जॉब आप सबको. स्टार्ट करते हैं. हैंड्स ऊपर, हाथ करने ऊपर, हाथ करें सब. राइट पे जाएं, लेफ्ट पे जाएं, राइट पे, फिर लेफ्ट पे चले जाएं. थम्स अप करें और तीन उंगलियां नीचे. नोप साउंड करें, नो नॉइस, शोर नहीं करना. और दरिया बहता जा रहा है, गंगा बहती जा रही है. आपने फिर ऊपर करने हाथ और फिर सेपरेट कर लेना है. और हर कोई पे आपने ये साइन करना है. कोई शोर नहीं, कोई गलत लफ्ज नहीं बोलना. और हर जगह हर सिम्त में बहते चले जाना है. और आखिरी है, आप पानी उठाएं, अपने सर पे रखें और चलना शुरू करें. चलते जाएं और फोल्ड हो जाएं. बस ये है.
एक म्यूजिक के साथ करेंगे ठीक है और आप ट्राई करें देखते हैं किस आ गया आपको यंग विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निःशब्द सदा ओ गंगा तुम ओ गंगा बहती हो क्यों विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निःशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों उम्मीद है कि आप सबने एंजॉय किया होगा ये सॉन्ग हम आपका बहुत शुक्रगुजार है रीसा कि उसने ये कनेक्शन जीरो हंगर और अपने कल्चर के से ये कनेक्शन किया डांस अभी मैं अभी पुर्तगाल से हम सुनते हैं हेलो मैं मेरा नाम डुआर्ट है और मैं यंग पीपल के यूथ फॉर यूनाइटेड वर्ल्ड का हिस्सा हूं पिछले हफ्ते हम लोग रोड ट्रिप के जरिए हम लिस्बन से अलगारवे गए और हम अरवियास से पास होते हुए गुजरते हुए और फिर हम अपने एक फ्रेंड के पास गए जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी मेरा नाम रोड्रिगो और मैं एक यूनाइटेड वर्ल्ड का एक मेंबर हूँ इन दिनों में रोड ट्रिप के जरिए जब हम गए थे तो मुख्तलिफ जगहों को हमने वो किया था विजिट किया था और जहाँ हम गए थे वहाँ पर हमने कुछ नौजवान लोगों से मिले थे जो कैटेकिज्म एरिया 12 से 17 साल की उम्र के थे हम इस मकसद के लिए वहाँ गए थे कि उनको जीरो हंगर के बारे में बताएं और अपने मकसद के बारे में जीरो हंगर के मकसद के बारे में बताएं कि जीरो हंगर के क्या कंसिस्ट करता है और उनको कुछ एक्टिविटीज भी बताई और जो उनके साथ हमने मिलकर की और हमने डिस्कवर किया कि वो ऐसे एरियाज जो हैं वो स्काउट्स के एरिया ना और इसी के साथ साथ हम लोग कैटेकिसिस भी वहाँ पर सीखे रियलिटी भी हमने वहाँ की देखी और मुख्तलिफ एक्शंस के जरिए हमने खाना जमा किया कपड़े जमा किए और उन लोगों को दिए इन्होंने वो सॉरी वो एक्सपीरियंस जो थे ना वो आधा कट कर दिया तो वो बता रहे हैं कि भी हमारा आधा एक्सपीरियंस रह गया है तो वहां पर हमने क्या किया लोगों के साथ बातचीत करते हुए और जीरो हंगर के बारे में बात करते हुए हम ग्रुप्स में डिवाइड हुए और जहां पर हम ये जान सके कि हम दूसरों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए ये पेंडेमिक के मतलब दौर में हम सोच रहे हैं कि हम उन लोगों की जो जरूरतमंद है कैसे हेल्प कर सकते हैं तो हमने क्या किया कि हमने कुछ रिलीजियस फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया और मतलब जिसमें 9 एलिमेंट्स थे जिसमें 2 मतलब 9 उनके फैमिली के अफराद थे जिसमें 2 बच्चे और 3 टीनेज थे और एक बच्चा था और एक बूढ़ी अम्मी थी और उसके बहन भाई अम्मी अबू थे और हमने कुछ चीजें इकट्ठी की और उनको उनके साथ उनको कुछ बनाना सिखाया और हम देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम्स जो हम दूसरों के साथ करते हैं एक्टिविटीज वो हमारी हेल्प करते हैं कि वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेस को भी पूरा कर सकते हैं दूसरों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हुए और बच्चों की केयर करते हुए उनको ब्लैंकेट्स उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हुए
और हम फील हम करते हैं कि हमने उनको नहीं दिया बल्कि उन्होंने हमें दिया है न्यूट्रिशन प्रोग्राम विल हेल्प लेसन बाय न्यूट्रिशन इन द फिलीपींस मेरा नाम जो है कुछ अच्छा पहले हम लोग ओहो कोई प्रॉब्लम हुई है शायद क्योंकि ये ना अच्छा मुत्ती दुनिया के लिए जिंदगी गुजारना एक चैलेंज है कुछ कुछ अर्सा पहले हमने सोचा कि मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ हमें एक कॉलम लिखना था और जिसमें हमने शेयर करना था बहुत दोनों स्पिरिचुअली और मादी अपने मतलब एक्सपीरियंसेस के बारे में ना और एक दूसरा कॉलम था जिसमें हमें मतलब जरूरत थी कि हम मतलब हिम्मत करके उसमें लिखें क्योंकि मिसाल के तौर पर मैं हमेशा जीरो हंगर प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना चाहती थी अपने क्लासमेट्स के साथ लेकिन मेरे में हिम्मत ही नहीं थी और फिर ये प्रोजेक्ट जो था वो जब लॉन्च हुआ फाओ में तो तमाम जो यंग बच्चे हैं वो गए थे और उन्होंने ये कमिटमेंट की थी कि वो मतलब इस प्रोग्राम को दूसरों तक भी पहुंचाएंगे और 2030 तक दुनिया से भूख मिटाएंगे तो कुछ हफ्ते पहले कुछ हफ्ते बाद में मुझे ये मतलब मिल गई पॉसिबिलिटी मिल गई रिगार्डिंग जीरो हंगर और मैंने अपने क्लासमेट्स के साथ एक कैंप पर गई और मैं उनको फिर भी ना बता सकी क्योंकि मुझे शर्म महसूस हो रही थी फिर मुझे याद है कि जो एना ने भी इस चैलेंज को कबूल किया था Our actions impact its journey each step of the way. We have one planet and our हमारे पास एक ही प्लेनेट और इसका एक ही सिस्टम है बेहतर एनवायरनमेंट करना हमने रिकनेक्ट करना है और खाने की कहानी लिखनी है Today, आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट हैं जो यूनाइटेड नेशन से हमारे साथ लिंक हुए हैं तो उनको वेलकम करते हैं हमें बहुत खुशी है ये एजाज की बात है कि एल्फ्रेड जो रीजनल मैनेजर हैं फाओ के वो हमारे साथ आज शामिल हैं इस प्रोग्राम में अगर आप कोई मैसेज शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ थैंक यू डियोगो गुड मॉर्निंग सबको गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग सबको कोरिया से आप मेरी आवाज सुन रहे हैं हाँ ठीक है थैंक यू मेरे लिए बहुत खुशी की बात है मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था ना और मैं आपसे सीखा ना ये बहुत सी बातें मैंने आपसे सीखी आज और आप ऑर्गेनाइजर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इतना खूबसूरत इवेंट आप लोगों ने तैयार किया है और शुक्रिया अदा करता हूँ आपने मुझे इसके लिए इस प्रोग्राम में हिस्सादार शराकत के लिए बुलाया है मैं आपकी लीडरशिप देख रहा हूँ आपकी हिम्मत देख रहा हूँ कैसे आप are striving to ensure मतलब आगे बढ़ रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर ना और ये बहुत लाजमी है सब जानते हैं कोविड के बारे में पेंडेमिक जो शुरू हुआ तो इकोनॉमिकल वो जो क्राइसिस थे वो पहले ऐसे नहीं थे जैसे अभी हो गए मैं गवर्नमेंट के साथ डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ मतलब काम कर रहा हूँ और क्लाइमेट चेंज इन्वेस्टमेंट पर भी को भी देखता हूँ और फूड सिक्योरिटी को भी क्लाइमेट चेंज ना सिर्फ हमारी लोकल प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है लेकिन और फूड सिक्योरिटी के एलिमेंट्स पे भी इफेक्ट करता है And also stability. और फूड ऑर्गेनाइजेशन और स्टेबिलिटी जो है उस पर भी इफेक्ट करता है so
तो क्लाइमेट चेंज का ना डायरेक्ट जो असर होता है वो हमारी मतलब जिंदगी में के मुख्तलिफ पहलुओं पर होता है और स्पेशली खाने के गिजा पर। और मैं अभी आप जैसे आपको पता है जीरो हंगर का प्रोजेक्ट 2030 तक हमने अचीव करना है while total food production must increase by just the statistics will vary but something our total production jo hai wo matlab increase honi chahiye na aur 2050 tak ho chuki hai matlab 15% 16% tak food production jo hai wo increase ho chuki hai और काफी मतलब इससे मतलब हालात जो हैं वो थोड़े बेहतर हुए हैं। और ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन पर भी इफेक्ट होते हैं उन पर उनके लिए भी तरक्की का बायस बनते हैं। तो हमें इस किस्म के और बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं ताकि हेल्प हो सके दुनिया से भूख मिटाना है मिटाई जा सके। ग्रीन क्लाइमेट वो जो है एक प्रोजेक्ट है उस पर भी काम हो रहा है यानी सबने माहौलियात का तहफ्फुज करने के लिए अपने अपना किरदार अदा करना है। तो सब हिस्सा ले सकते हैं और भी आपके अलावा भी जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू सर, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने मैसेज दिया है और इसने हमारे दिलों को छुआ है। अभी आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं तो हम आपको कुछ जीरो हंगर के हम किस तरह जीरो हंगर पर काबू पा रहे हैं। हेलो, मेरा नाम लुइसा है और मैं सांता रीटा से हूँ। मैं आपको एक कोरियोग्राफी दिखाना चाहती हूँ जो डांस के जरिए जो मतलब हमारी माहौलियात से लिंक्ड है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा ये मेरा डांस। उसने बताया है कि ये इसका नाम है सांतो स्टेफानो माग्रा, इटली से है। वो कह रही है कि हेलो, मेरा नाम फ्लाविया है और मैं जेंट्री हूँ स्पेसिया से। कह रही है जब मुझे बताया गया जीरो हंगर प्रोजेक्ट के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई इसको सुन के, इसके बारे में सुन के। तो मैंने सोचा कि फैमिलीज जो जरूरतमंद है उनकी हेल्प करनी चाहिए। और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उन फैमिलीज का भी जिन्होंने हमारा साथ दिया इस प्रोजेक्ट को फ्रोग देने के लिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो दूसरी फैमिलीज की जो जरूरतमंद है हेल्प करें। तो मैंने अपने स्कूल में पूछा स्कूलमेट्स को कि मेरे प्रोजेक्ट को ज्वाइन करें, तो वो बहुत एक्साइटेड हुए। फिर एक जैन थी जो वो गई और उसने मतलब उनको सजेस्ट किया कि अगर वो फूड दे सकते हैं दूसरों के लिए। वो सब बहुत एंथुसियास्टिक थे। थैंक यू खूबसूरत डांस शेयर करने का। We would like to show you some of the typical dishes from different countries.
और हम अभी हम आपको टिपिकल डिशेस के बारे में बताएंगे जो जीरो हंगर के इस प्रेजेंटेशन के बाद कोरिया से स्पीकर्स हैं जो फूड वेस्ट के बारे में बात करेंगे और एक इसके बाद एक खूबसूरत म्यूजिकल परफॉर्मेंस होगी तो चलें कल्चरल ट्रिप पर चलते हैं हेलो मैं इंडिया से हूँ और मैं अपनी एक खूबसूरत वो सॉरी फेमस डिश बना रही हूँ जिसका नाम है और इसमें ये बहुत मतलब मजे की होती है और ये ब्रेकफास्ट में खाई जाती है तो चले आए देखते हैं आटा इसके लिए चाहिए मस्टर्ड सीड ग्रीन चिली लेमन और कड़ी लीव चाहिए मैं एक बेसन और शुगर डाल सॉल्ट डाल रही हूँ और हल्दी फिर इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्सअप कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें इनो भी डाल दें 5 ग्राम अभी बैटर जो है वो तैयार हो गया है और इसको 10 मिनट्स के लिए रहने दें और इसको स्टीम वाले उसमें पैन में रख दें ये बहुत डिलीशियस डिश है न्यूट्रिएंट है मतलब अच्छी गजाइत से भरपूर है और इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं बेसन का आटा और इसमें प्रोटीन भी काफी शामिल है टर्मरिक जो है मतलब हल्दी और ये एंटीबायोटिक है और इसमें विटामिन बी और डी भी पाया जाता है अभी हम क्या करेंगे अभी हम एक सिरप बनाएंगे एक टेबल स्पून ऑयल डालेंगे उसमें मस्टर्ड सीड डालेंगे और 5 ग्रीन चिली डाल देंगे और आधा कप पानी डालेंगे जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो बंद कर दें आग और इसको पकने दें इसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस करें और फिर सिरप जो आपने बनाया है या जो भी मसाला उसके ऊपर डाल दें थैंक यू इंग्रेडिएंट्स हैं पानी सॉरी इसके ना सबटाइटल्स मुझे नजर नहीं आ रहे वैसे आप देखते जो बस चुप करके रेसिपीज ही हैं एक्चुअली मेरा जो ट्रांसलेशन का बटन है ना वो बिल्कुल इसके इसके ऊपर आ रहा है इसलिए ये वेनेजुएला का masa de maíz seco molido o de harina de maíz precocida de forma redonda y aplanada. La arepa es el plato típico venezolano por excelencia, icónico de la gastronomía del país. Es consumida en toda la geografía del territorio venezolano. Se suele comer casi todos los días, rellena de lo que queramos.
como queso, carne molida, pollo o carne mechada, verdura. Y se come en el desayuno. Dices que andar dalte ya, pero es breakfast que le está mal. Como acompañante. Esta receta puede cocinarse de diferentes maneras: asadas, horneadas, hervidas y fritas. Las arepas más tradicionales de Venezuela son la arepa de maíz pilado y maíz precocido, y también de trigo. Portugal vale invenare. Without special occasion. और ये आम तौर पर ये डिश हमारे यहां मतलब इस्तेमाल की जाती है. Bibimbap is a very healthy dish as it provides a good balance of carbohydrates, proteins and fats while providing sufficient calories within an acceptable range. The vegetables that the bibimbap carries a lot of vitamins and minerals like vitamins B, C and E. और इसमें बहुत सारे red pepper vegetables जो सेहत के लिए बहुत अच्छी antioxidants and
vitamins. There's also a lot of flexibility to what you can add or remove from the dish, so you can really make protein it. Protein jo hai antioxidant hai, antioxidant bhi hai ye. Aur aapki matlab sehat ke tamam zaruriyat ko pura karta hai. Wow, thank you. That all looks so good. Since we're now introduced to different cultures, we will move on to the actions taken by people around the world. Abhi hum dekhte hain ki matlab mukhtalif mulkon mein kaise wo zero hunger ke actions par amal karte hain, zero hunger par amal karne ki koshish karte hain ya usko promote karne ke liye kya kuch karte hain. Time that we get together and make a change. Ye time hai ki hum ikatthe tabdili laaye. I think it's important that each and every child, being the future of this country, should be provided the basic necessity, that is food. Har bacche ko matlab bunyadi zaruriyat faraham karni chahiye, jis jo sabse ahem bunyadi zaruriyat jo hai wo hai khana. Humne duniya ko is matlab masle se azad karwana hai. आप लोगों को समझ आ रही है? उर्दू आ रही है ना? वीडियो की उर्दू आ रही है आपको? हाथ खड़ा करके बताएं अगर वीडियो की उर्दू आ रही है. ओके ठीक है, थैंक यू. Time for action. World leader March at. It's high time for action. No child is born to die. Action lene ka waqt aa pahuncha hai. Stop the waste.
Now we're gonna pass to one performance, that is João. Abhi hum perform ek aur performance dekhenge. Show us a music on trombone. Wo bajayenge trombone. Thank you so much, John. बहुत शुक्रिया जो आपने amazing performance हमें दिखाई है. आपने देखा होगा कि हमारे artist ने इस project को दूसरी चीजों के साथ relate किया है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि zero hunger के context से related अपने लोगों के राय बताएं, पूछें, देखें कि मतलब नवंबर के महीने में वो क्या करना चाहते हैं. किसी ने कहा कि मैं नवंबर के महीने में गोश्त नहीं खाऊंगा, लेकिन क्यों, चले देखते हैं. और हम वेलकम करते हैं तमाम स्पीकर्स को जो इस जीरो हंगर प्रोजेक्ट के बारे में और इकोलॉजी का क्या रिलेशन है इस बारे में बताएंगे. हेलो, हम डे टू केयर ग्रुप के चेंज केयर टू चेंज के ग्रुप के मेंबर हैं और ये हमारी कैंपेन का हिस्सा है डे टू केयर. और यूथ जो है तमाम यूनाइटेड वर्ल्ड यूथ, ये उसका भी हिस्सा है. और हम बड़ी खुशी है कि आज हम यहाँ सब इकट्ठे हैं और हम आपके साथ नए एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करना चाहते हैं इस इवेंट से, जिनका ताल्लुक इस इवेंट से है. एंड जैसे डाइट के बारे में, डाइट जो है वो बिग बहुत ज्यादा बहुत बड़ा असर बड़े बड़े अच्छे तरीके से असरअंदाज होती है हमारी इकोलॉजी और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स के थ्रू भी ना. और अभी हमने सुना है, क्या आपने कभी इस बारे में सुना है इकोलॉजी फुटप्रिंट के बारे में? तो हम में से हर एक को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के मतलब पर चलना है. तो मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमने अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना है ताकि हमारा लाइफस्टाइल जो है डायरेक्टली हमारी एनवायरनमेंट पे असर अंदाज होता है. तो इकोलॉजी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका इंसानों की लाइफस्टाइल का असर इस पर कैसे पड़ता है, इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें पानी जो है वो कम इस्तेमाल होता है और ये हमारी मतलब माहौलियात के लिए भी ज्यादा पावरफुल है चीज है कि हम कम से कम पानी का इस्तेमाल करें. और क्लाइमेट चेंज गैसेस जो हैं और Tons of climate changing gases such as carbon
और टन्स के हिसाब से जो क्लाइमेट चेंज गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड होती हैं एटमॉस्फेयर में हमारे माहौल में ना, और ये ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है, यानी कुरा अर्थ को गर्माइश पहुंचाती हैं। मिसाल के तौर पर इसको और ज्यादा विजिबल करें, और फुटप्रिंट जो है चीज बर्गर और नॉर्मल चीज बर्गर और जो पिकल पे कंसिस्ट होता है वो खाएं, टमाटो ऑनियन के साथ वाला जिसमें सैलेड वगैरह हो चीज वाली, लेकिन जो मीट वाली चीजें हैं ना उनसे आप परहेज करें, गोश्त से बनी हुई चीजों की ना। और आपको पता है कि जो गोश्त है वो चीज बर्गर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 4 kg जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो इक्विवेलेंट है गैसेस के 1.5 gallon ऑफ गैसोलीन। तो अब अगर हम हर इंग्रेडिएंट को उसकी स्टडी करें कि कितना एक बर्गर में इस्तेमाल होता है तो उससे कितनी एक मतलब इस्तेमाल की गई चीज से कितनी गैसेस रिलीज होती हैं, तो ये सारी मतलब अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने नेक्स्ट टाइम मीट नहीं खाना बल्कि चीज या सब्जियों वाले बर्गर को प्रेफर करना है। आप ट्राई करें। मेरे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मट्टी, खाद, बीज और पानी। ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है ना वो ब्राउन कलर की होती है, और जबकि मट्टी जो है वो थोड़ी स्टिकी होती है और ब्राउन कलर की होती है। 50% आप खाद ले लें और 50% आप मट्टी ले लें, खाद को 50-50% ला के पानी से गूंद लें और फिर इसको चपटा करके ना इसमें बीज डाल दें। जब आप बीज उसमें डाल देंगे फिर उसको गोल गोल शेप में दे दें। और इसको रोल कर लें, मतलब इसको जरूरी भी नहीं है कि बिल्कुल राउंड हो या स्मूथ हो। आप बाकी की जो बची हुई मट्टी और खाद है उसको भी इसी तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। Your seed bomb is ready. आपके सीड बॉम्ब रेडी हैं। और इसको जब आप जमीन में बोएंगे तो जमीन जो है कुछ अरसे बाद वहां से पौधे निकलेंगे और दरख्त बन जाएंगे और माहौलियात के में तब्दीली लाएंगे। और ये बहुत जमीन जो है अभी वो खुश है और हमें दुआएं देती है। अच्छा, 2020 और 21 दुनिया जो है कोविड से मतलब का शिकार हुई, जिसने मतलब बहुत सारी मतलब इनइक्वालिटी जो है हमारे दुनिया में और ज्यादा बढ़ा दी, और खास तौर पर आलमी सतह पर गुर्बत भी बढ़ गई ना, और 71 million पीपल जो थे वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में और भूख में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा जो खाना है मंदालस एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस पर सोचें और इस पर अमल करें मुख्तलिफ तरीके से ताकि दुनिया से भूख जो है वो खत्म हो सके।
mandala. Thank you, Andrea. Shukriya, Andrea, Vivi, Clara aur Vania. कि आपने हमें इतना अच्छे खूबसूरत तरीके से रिलेशन बताया है हंगर और एकोलॉजी. अभी हम अमेजिंग इंटरनेशनल म्यूजिकल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि वो हमारे साथ अपना एक खूबसूरत और अभी नया नया जो सॉन्ग उन्होंने तैयार किया यानी जिसका नाम है टर्न अराउंड वो शेयर करें और इसके बाद अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें. तो उनको तालियां बजाकर वेलकम कहें. सबको सलाम. हमारा नाम जैन वर्दे है और हम इंटरनेशनल म्यूजिकल ग्रुप का हिस्सा हैं और हम 19 औरतें हैं इसमें शामिल और 14 मुख्तलिफ ममालिक से हैं. और हम बहुत खुश हैं कि हम जीरो हंगर के स्पेशल इवेंट यानी वर्ल्ड फूड डे में शिरकत कर रहे हैं ताकि हम जीरो हंगर प्रोजेक्ट को प्रमोट करें. हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इकट्ठे मिलकर इस पर एक्शन लेंगे और भूख को दुनिया से मिटाने की कोशिश करेंगे. और आपको पता है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हंगर का इकोलॉजी का भी अभी हमने देखा है और बहुत ज्यादा इंस्पायर भी है. बहुत सारे यंग लोग हैं जो पूरी दुनिया से हमारे साथ इस जिम्मेदारी में शामिल हैं ताकि माहौलियात को तहफ्फुज़ दे सके. और हमने ये इंग्लिश में एक सॉन्ग लिखा है टर्न राउंड और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी. ये बहुत सारे मुख्तलिफ मुल्कों के बच्चे और टीनेज जो हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और हमारे साथ ये शामिल हुए हैं इस गीत में, इस क्वायर में. एक दफा मैंने एक एस्ट्रोनॉट से बात की जो मून से वापस आया. क्या आपने वहां से मून से जब जिंदगी कह रही हूँ दुनिया को देखा तो आपके अंदर कोई तब्दीली पैदा हुई? उस दुनिया में कोई दुनिया जो है वो बगैर बाउंड्रीज के होनी चाहिए, बगैर हसद के, बगैर हर चीज का आपस में मिलाप होना चाहिए. एक लड़की है जिसने बड़ी बड़ी इस पर आवाज उठाई है एकोलॉजी पर और उसने कहा कि हम बहुत गलत कर रहे हैं अपनी जमीन के साथ, हमें इसका तहफ्फुज करना है. हमने इंतजार नहीं करना, हमने अभी फौरन से शुरू करना है अपनी जमीन को तहफ्फुज देना. हमें ब्लू और ग्रीन की जरूरत है यानी हरियाली की और पानी की. इर्द गिर्द देखने की जरूरत है. Can feel it in the breeze and touch it in the trees. There beneath the blue and green, connecting everything. You can feel it in the breeze and touch it in the trees. You hear the waterfall.
Thank you so much. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. हम खुश हैं कि आप हमारे साथ थे. अभी तकरीबन अपने प्रोग्राम के अख्ताम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हम एक थोड़े देर के लिए एक गेम करते हैं जो इंडिया से जॉयल ने तैयार की है. सबको सलाम. हेल्थ और फिटनेस भी जीरो हंगर से कनेक्टेड है. चलें, इतनी देर से हम बैठे हैं, अभी सारे उठ जाएं, खड़े हो जाएं और हिलें जुलें, शेक आउट करें. रूल्स ऑफ द गेम. एवरी पिक्चर हैज थ्री स्मॉल डिफरेंसेस. पिक्चर में तीन छोटे छोटे फर्क हैं. जब तक आप इन फाइंस डिफरेंसेस को ढूंढ रहे हैं फर्क को, और इसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर अपने माइक्रोफोन अनम्यूट करके जोर से बता सकते हैं वो फर्क, तस्वीरों में क्या फर्क है. जब तक आप फर्क ढूंढ रहे हैं और जब तक हम एक्सरसाइज करते हैं, और आप मुझे एक्सरसाइज में ज्वाइन करें और अब मैं अपनी स्क्रीन को टर्न आउट करता हूं, आपकी तरफ ओपन करता हूं. 3, 2, 1. जोर से बताना है अपनी वो माइक्रोफोन ऑन करके, तस्वीर में फर्क क्या है. जोर से बोले. तीन डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं इस पिक्चर में, आपने ढूंढने हैं वो तीन फर्क कौन से हैं, क्या फर्क है इन तस्वीरों में. तीन फर्क है, तीन चीजें फर्क है इस तस्वीर में, दोनों तस्वीरों में. एक का बरवट्टा नहीं है, नहीं दोनों का ही नहीं है. औरत की शर्ट का बटन जो है, एक में है एक में नहीं है. एक और. There is one leaf missing in the first picture. एक पत्ता मिसिंग है. The stripe on the lady. Okay, so that took us 30 seconds. 30 seconds में आप लोगों ने बताया. तो चलें फिर 30 सेकंड में हम एक्सरसाइज करते हैं. उठ के खड़े होके करें. थर्टी सेकंड आपने मेरे साथ उछलना है, ये एक्सरसाइज करनी. उठो तुम लोग भी. ओके, अभी दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं. दूसरी तस्वीर में कौन कौन से फर्क है वो आपने, आपकी स्क्रीन पर ये नजर आएगी अभी तस्वीर. ये लें. 3, 2, 1, गो. द क्लॉक्स ऑन. अभी ढूंढे कौन क्या फर्क नजर आ रहे हैं. विंडो मिसिंग. देयर इज वन विंडो मिसिंग. विंडो इज मिसिंग. यस, विंडो मतलब मिस है. दूसरा फर्क बताएं. Doors are different. One is on the right and one is on the left. Correct. One more. हाँ, दरवाजे भी फर्क हैं. एक और. That was 35 seconds हो गए हैं. चलें अभी देखते हैं. 35 seconds आपने मेरे साथ उठ के मुझे follow करें और मेरे साथ exercise करें. 1, 2, 3, 4. शुरू करो तुम लोग भी. शाबाश 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 करते जाओ. सब उठो ना प्लीज. हाँ, जल्दी जल्दी से. वेरी गुड. वन. वेरी गुड. अभी लास्ट पिक्चर पजल. अभी ये आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं पजल, आप देखेंगे. ओके, चलें अभी बताएं क्या फर्क है. The girls, shoes are in one picture it's green and in one
बच्चे के शूज जो हैं वो एक में ग्रीन है और एक के और एक में स्माइल ज्यादा है एक में कम है बच्चे की और रिबन्स वगैरह में ए अम्मी का एक रिबन है और एक नहीं है एक में नहीं है वेरी गुड बहुत अच्छे बच्चे हैं सही जवाब दी अभी आपने 14 सेकंड्स में ये डिफरेंस ढूंढे हैं अभी आप खड़े हो जाएं सारे और फिर दोबारा से मेरे साथ एक्सरसाइज करें किक मारनी Last of the last. I'll be last. Maybe we can. I'll leave it up to the organizers. आपने organizers को हैरान ही कर दिया. Well done, team. Well done. One more. एक और. Okay, we'll do. पाउलो ने इसको लिखा है continue करो. ये थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग है पिक्चर चले स्टॉपवॉच शुरू हो गया जल्दी से ढूंढे पजल टेबल पे है वो जो मिसिंग है एक पजल मिसिंग है टेबल से वन पोनी इज मिसिंग ये वाली पजल मिसिंग एक बच्ची की पोनी मिसिंग है एंड स्माइल ऑफ द ग्रैंड पेरेंट बाबा एक जगह ओल्ड मैन जो है बहुत ही वो नजर आ रहा है सैड वेरी गुड 31 सेकंड्स में आपने ये डिफरेंसेस ढूंढे हैं तो चले आए बैक किक्स करते हैं चलो आप लोग भी करो वेरी गुड शाबाश शाबाश ये बाकी के क्या कर रहे हैं बैठ के बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं तो मैं यहाँ पर अपनी गेम खत्म करता हूँ okay, thank you very much. That was really बहुत शुक्रिया आपका But we had a little technical misunderstanding in the beginning, so we would like to continue to share some of the experiences that we're missing. If that's okay for all of you, let's hear people who have to share with us something. कुछ समझ नहीं आया क्या बोला उसने? अच्छा मेरा नाम डुआर्ट है और मैं मतलब यंग यूथ फॉर यूनाइटेड वर्ल्ड का मेंबर हूँ मेरा नाम रोड्रिक है और मैं यूनाइटेड वर्ल्ड के मतलब प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ हम कुछ लोगों को मिलने के लिए गए जिन बच्चों को जिनका उम्र 12 से 14 साल के दरमियान है और हमारा मकसद था उधर जाने का जीरो हंगर प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने का और जीरो हंगर का मतलब क्या है लेकिन हमने डिस्कवर किया कि वहां पर ये स्काउट्स का एरिया भी है और कैटेकिज्म की रियलिटी को ज्यादा नहीं वहां पर मतलब पता तो हमने वहां पर कपड़े खाना इकट्ठा करने का एक एक्टिविटी की और हमारी कन्वर्सेशन के बाद भूख मकाओ के मतलब मोहम की कन्वर्सेशन मतलब उनको हमने प्रेजेंट किया तो काफी लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया और हेल्प करने का मतलब पेशकश की
दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो हम फैमिली के लिए कुछ खरीदने के लिए गए थे बच्चों के लिए, तो जैसे ही हमने बैग डिलीवर किया और हमें एक और बैग मिल गया ना, उसमें 8 किलो की ब्रेड खाना, वो आटा था रोटी बनाने के लिए। अच्छा, इस पेंडेमिक में हमें मतलब बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसमें कुछ मतलब हमने रिलीजन्स को भी कांटेक्ट किया और कुछ चीजें इकट्ठी की, लेकिन वो चीजें काफी नहीं थी। तो कि हमने फिर सोचा कि हमारा हमारी मोहब्बत भी उन लोगों को जरूरत है ना। हमने उनके लिए बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, खाना जमा किया, और हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रेकफास्ट वगैरह भी हमें एंड पर वो लोग देंगे। हम एक फ्रेंड के जरिए हमने डिस्कवर किया एक जगह के बारे में, वहां पर हम गए और एक माँ जो थी वो अपने बच्चों को सब मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, काफी उसके लिए मुश्किल था, हमने इसको ब्लैंकेट वगैरह दिए और बाकी चीजें भी। मेरा नाम फ्लाविया है और मैं जंत्री हूँ। जब उन्होंने मुझे जीरो हंगर प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो मैंने कहा क्यों ना जरूरतमंद फैमिलीज की मदद की जाए जो दूसरी फैमिलीज को अपने साथ मिलाकर, और ये बहुत खूबसूरत था। और हमने महसूस किया, डिस्कवर किया कि बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। तो फिर मैंने अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ बात की और उन्होंने कहा कि हाँ जरूर, हम जरूर हेल्प करेंगे। और मैं और एक और जैन हम अपने मेयर के पास गए और उसको जीरो हंगर प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उस वो बहुत मुतासिर और हमारे प्रोजेक्ट को उसने कबूल किया और हमें इंट्रोड्यूस करवाया रेड क्रॉस वालों के साथ। जब हमने पहले फ्लायर वगैरह बनाए और लोगों के में बांटे और बहुत सारी चीजें जो थी वो रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले से हमें मिली, और फिर हमने वहां पर दी रेड क्रॉस सोसाइटी वालों को और रेड क्रॉस सोसाइटी वालों ने तमाम जरूरतमंदों को बांट। मेरा नाम जैस्मिन है और मेरी 12 साल उम्र है और मैं सैम हूँ, मैं भी 12 साल की हूँ। और हमने अपने इलाके के लोगों के दरवाजों पर गए, दरवाजे खटखटाए और उनसे कहा कि हमें आपकी जो जरूरत की चीजें नहीं वो हमें दे दें। उन्होंने हमें दी और हम उसको रेड क्रॉस सोसाइटी में लेकर गए ऑफिस में और उन्होंने उन फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट की जिनको जरूरत थी। और जीरो हंगर प्रोजेक्ट हमारे बहुत ज्यादा हमारे मतलब दिल में है और हम देखते हैं कि बहुत सारे ज्यादा लोग जो हैं वो हमसे भी ज्यादा जरूरतमंद है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही भूख का खात्मा होगा और ये मसला हल होगा। और इस प्रोजेक्ट पर काम करने से मैंने अपने दिल में बहुत ज्यादा खुशी महसूस की और देखा कि मतलब जरूरतमंद फैमिलीज जो हैं उन्होंने हमारी मोहब्बत को महसूस किया। और ये प्रोजेक्ट जो है मुझे बहुत पसंद आया और ये देखना कि लोग जो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपना हिस्सा अदा किया है और मैंने दूसरों को भी इसमें शामिल करने का मौका दिया है, शामिल होने का मौका दिया है। ग्रात से। और अभी और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जा रही हैं। इस मतलब हम लोग एडल्ट्स और नौजवानों के साथ मिलकर काफी जीरो हंगर पर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पर चीजें इकट्ठी करके जरूरतमंद लोगों को बांट रहे हैं। ये एक नया मेथड है ना दूसरों की मदद करने का। और हमने कहा बच्चे आप दुआ करें और हम दूसरों की मतलब पास जाते हैं ताकि चीजें इकट्ठी करके लेकर आए जरूरतमंद लोगों के लिए। और बच्चों ने ये जब प्रोजेक्ट मतलब हमारे साथ शेयर किया तो हमें बहुत मुतासिर हुए इस प्रोजेक्ट बच्चों के इस एफर्ट से, और हमने भी उनके साथ मिलकर इस पर काम करना शुरू किया।
और फिर जो जिस जो जिस जिस फैमिली को पता चलता है वो भी मतलब इस प्रोजेक्ट में हिस्सादार हो जाते हैं. और एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिला है क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत एक्टिविटी है और खास तौर पर भूख जो है वो कोविड की वजह से और ज्यादा बढ़ गई है. और कुछ चीजें हैं जो मतलब जो फैमिलीज में एक्स्ट्रा होती हैं जो नहीं यूज होती वो हम लोग मतलब इकट्ठी करके दूसरों में. ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत पसंद है और मैंने भी इसको ज्वाइन किया. मैं मेयर हूँ और मैंने रेड क्रॉस सोसाइटी वालों से बात भी की इस प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने में. और फिर मैंने उनको बताया कि कौन से लोग हैं जिन्हें मतलब खाने की जरूरत है और वो जो चीजें जो वेस्ट कर दी जाती हैं शॉपिंग मॉल्स में सुपरमार्केट्स में उनको जमा करना और गरीबों तक पहुंचाना. और इसके बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं. और एक बड़ा मतलब एक बड़ा विजन मतलब क्रिएट किया है. और कोविड के इस मतलब अरसे में इस दौर में हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और इकट्ठे मिलकर हम एक दूसरे के साथ मुतिद रह सकते हैं और अपनी कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं. कोविड की जो सबसे ज्यादा असर जो है ना वो भूख में इजाफे का बायस बना है. एक वॉलंटियर से उसका एक्सपीरियंस सुनेंगे. मेरा नाम विवेहा है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ. मैं शांति आश्रम की वॉलंटियर हूँ और 5 साल से. और कोविड-19 पैंडेमिक से हमारा मुल्क भी इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजरा था और मैंने देखा कि लोगों को किस चीज की जरूरत है और मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ. शांति आश्रम फूड बैंक का आगाज हुआ. अरुण की वजह से ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ. एक यंग लड़का है और ये 14 साल की उम्र में इसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और इसको ग्लोबल अवार्ड भी मिला है ये प्रोजेक्ट अचीव करने में. और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको जाना जाता है. और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने रिश्तेदारों को भी दोस्तों को भी और ग्रैंड मदर फादर्स को भी इसमें शामिल करूं इस प्रोजेक्ट में और उनसे हेल्प के लिए पूछूं अगर वो कुछ देना चाहते हैं. और मैंने 460 किलोग्राम जो है वो आटा वगैरह फूड प्रोडक्ट्स जो है वो इकट्ठे किए और मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार हूँ और दूसरों की हेल्प करने में मतलब उनकी मदद करती हूँ. महात्मा गांधी ने कहा है और पॉवर्टी जो है वो तशद्दुद को जन्म देती है. अगर हम इकट्ठे मिलकर गुर्बत पर काबू पाएंगे तो भूख पर काबू पाएंगे तो दुनिया से गुर्बत भी खत्म हो जाएगी. और शुक्रिया. और मैंने ये अपना एक्सपीरियंस जो है दुनिया के दूसरे बच्चों के साथ शेयर करके मुझे खुशी महसूस हो रही है. By participating in our program today, we have all successfully taken another step towards achieving zero. अब हमने जीरो हंगर पर काबू पाने के लिए एक और स्टेप उठाया है और हमने कोशिश की है. अभी एक लम्हा है कि हम इकट्ठे मिलकर इस जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी को निभाएं. आप सब जो जीरो हंगर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपने भी इस जिम्मेदारी में हिस्सा लेना है अपने नाम लिखकर. हम आप सबकी मतलब हम आप सबकी मदद के मुंतजर हैं और आपकी जिम्मेदारी के. आपने नाम लिख के अपने मतलब भेजने हैं हमें सिग्नेचर करके.
भूख के शिकार लोगों को हमने बताना है कि हम ये जिम्मेदारी उठाते हैं और हम खुश हैं। कि हम अपने सिग्नेचर आप तक पहुंचाएंगे कि हम भूख मिटाने में हेल्प करेंगे और दुनिया के बाकी मुल्कों से भी, टेंस फ्रॉम पाकिस्तान, उन्होंने भी अपने सिग्नेचर किए हैं। ये पाकिस्तान की वीडियो दिखाई जा रही है, वो एक्टिविटी जो हमने आसिफ टाउन में की थी। ये एक आर्टिस्टिक वो है तरीका कमिटमेंट करने का, जिम्मेदारी में शामिल होने का, दुनिया से भूख मिटाने की जिम्मेदारी में शामिल होने का एक आर्टिस्टिक तरीका है कि हम अपने अपने सिग्नेचर्स करके तो इसमें हिस्सादार हों। तमाम दुनिया से हमें ये सिग्नेचर्स जो हैं वो मसूल हुए हैं, जिससे पता चलता है कि बहुत से लोग हैं जो इस जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं ताकि दुनिया से भूख खत्म हो, और वो इसी तरह खत्म हो सकती है। आपने बहुत सारे तरीके देखे हैं, खास तौर पर खाना जाया ना करते हुए, पानी जाया ना करते हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के तमाम लीडर्स जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, अक्वामे मुत्तहिदा के लीडर, ताकि क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है COP26, तो अभी हम एक बड़ा स्टेप उठाना चाहते हैं, जाती तौर पर भी और इज्तमाई तौर पर भी। एजुकेशन, अपने क्लासमेट्स के साथ जीरो हंगर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें और अपनी आवाज उठाएं इस प्रोजेक्ट के लिए, इस मसले के लिए, सोशल मीडिया के थ्रू, और अपना पॉजिटिव असर दिखाएं। इवेंट्स यानी प्रोग्राम्स वगैरह का एहतमाम करें और इकट्ठे मिलकर अपना गोल जो है जीरो हंगर उसको, मतलब उस पर उसको अचीव करें। आलमी विजन, हम इस मोमेंट के लिए नहीं और हम इसे भूलना नहीं चाहते, दूसरों के मिसाइल को अपना समझें, आलमी सतह पर कम्युनिटी को तश्कील देने में मदद करें और अच्छी चीजों को सेलिब्रेट करेंगे और दुनिया से 2030 तक भूख मिटाने में कामयाब होंगे। लॉन्ग टर्म चैलेंज है तो हम क्या कर सकते हैं, और आप मतलब वही मतलब खाएं जितना आपको जरूरत है, या और आप बहुत सारे एक्शंस कर सकते हैं, एक्ट्स कर सकते हैं, या एक कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा को शामिल करें तो ज्यादा अच्छी बात है। एक्टिविटीज को सोशल मीडिया पर शेयर करें और जीरो हंगर को दुनिया से मिटाने की कोशिश करें। As the world leaders get together for the United Nations Climate Change Conference, COP26. जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो ये अक्वामे मुत्तहिदा के क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी COP26 इन
ग्लासगो में शामिल हो रहे हैं तो हम भी मतलब इकट्ठे मिलकर अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं ताकि एक अच्छी दुनिया बना सके। थैंक यू सबका जो आप हमारे साथ थे और इस कॉन्फ्रेंस में हमारे हिस्सा थे। उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा और हम अपनी कमिटमेंट के साथ जो आज हमने की है हम दूसरों को भी हर एक को आपस में इनकरेज करते हैं और चेंज मेकर बनते हैं दुनिया के चेंज मेकर। और हम ये चाहते हैं कि एक करीबी एक और अपॉइंटमेंट रखें जब हम दोबारा से मिलेंगे और ये फरवरी में मतलब होगी जिसका नाम है उम्रे मोंदो जो वर्ल्ड वाइड इवेंट होगा और हम उसके उसमें भी जीरोंगर के बारे में बात करेंगे इश्यूज के बारे में। हमें इंस्टाग्राम पर टीन्स फॉर यूनिटी और जर्नी टुवर्ड्स हंगर में भी ज्वाइन करें। अभी हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हो चुका है हम आपको अभी गुड बाय कहेंगे अपनी अपनी लैंग्वेज में आप भी बोलें पाकिस्तानी। तस्वीरें ले लें स्क्रीनशॉट्स ले लें प्लीज़।